मिर्जापुर में सिटी क्लब के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। मिर्जापुर में अजय राय ने बीजेपी पर लगाया आरोप, संविधान बदलने का लगाया आरोप। संभल में जलपूर्ति योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, सीएचसी की महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण। रामपुर में अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर सिटी क्लब के सभागार में मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक करी है। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद ने लोगों से उपचुनाव को लेकर बातचीत की। फ्रूट की खेती एक बार हो सकती है, किसी को भय एक बार धोखा दे सकते हैं, फटाखट नोट बांटने के बाहर एक बार वोट दे सकते हैं, ये सारा कुछ अब सबको पता चल गया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार कि अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना नौकरी में है, तो किसकी नौकरी है? दूसरी जातियों का। और पिछड़ों में लोग नौकरी, उनकी माँ के कोख में नहीं दम था क्या? वोट तो दिया समाजवादी पार्टी को पिछड़े के नाम पर, और बाकी जातियां पिछड़ गई, ये कैसे अगड़ गए? इसके बाद अपना जिसको नौकरी नोट और अपनी शक्ति लुटाना होगा, उधर जाकर उनका बटन दबाना होगा, लाना होगा तो बिना भेदभाव के मारे हैं, बिना किसी कि लेदर मैन में अपनी संख्या से ज्यादा नौकरी में, तो क्या अनुसूचित जाति में और सूचीबद्ध जातियाँ कहाँ हैं? केवट मल्ला बिंद कश्य मझवार कहाँ है, कौन कहाँ रहा करवा कर 66 समूह अनुसूचित जाति में, ढेर सारी जातियाँ पिछड़ी जात में है, क्या उनकी माँ के कोख में दम नहीं था क्या? मिर्जापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, रेप और बुलडोजर की राजनीति जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई जारी रखेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के अनुसार आगे की रणनीति बनेगी। देश संविधान की जो रक्षा करना है, संविधान का गौरव बचाना, जो संविधान को बदलने की बात ये लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको आज हम लोगों ने आज ये मजमा कल इलाहाबाद में किया, आज मझवा के अंदर हुआ है और ये आगे 8 विधानसभाओं में और जहाँ उपचुनाव होने वाले वहां होने जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि मिलकर लड़ें, साथ मिलकर लड़ेंगे और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व। संभल के विकास खंड रजपुरा में ग्रामीण जलपूर्ति योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं SHC की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर वीरेश, कंसल्टिंग इंजीनियर नवनीत शेरवर और अन्य ट्रेनर भी मौजूद रहे। रामपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी है। बता दें कि कई दिनों से फरार चल रहे अपहरण और दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। 1/9/2024 को थाना सुहार में एक अस्पताल संचालक द्वारा एक बालिका के साथ, जो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इस घटना के आधार पर थाना सुहार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो हॉस्पिटल संचालक था वो लगातार फरार चल रहा था, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। आज उस अस्पताल संचालक को थाना सुहार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल के रास्ते गोरखपुर से होते हुए चाइनीज लहसुन वाराणसी की सब्जी मंडियों में तेजी से बिक रहा है। हानिकारक केमिकल से भरे इस लहसुन के बढ़ते उपयोग पर खाद्य विभाग की टीमें निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसा कि अभी कुछ हालिया हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा था कि जो चाइनीज लहसुन है ये काफी सालों से बैन है, और इसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। तो अभी तक जो मैंने रिपोर्ट से स्टडी की है, तो पूरी प्रक्रिया जो है बनाने और उसके उत्पादन को लेकर, लहसुन का अगर हम लोग आयुर्वेद के नज़रिए से बात करें तो लहसुन का प्रयोग हजारों सालों से हो रहा है, और जो लहसुन है ये बहुत से स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। गठिया के मरीजों में, पेट संबंधी मरीजों में भी लहसुन का प्रयोग हजारों सालों से होता रहा है। तो अगर हम सिर्फ गुड़ की बात करें तो जो लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक होता है और स्वास्थ्य में लाभ पहुँचाता है। अब जहाँ तक बात हम चाइनीज लहसुन की कर रहे हैं, तो जो हमने अब तक नोटिस किया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हमने पढ़ा है,
उसके अनुसार जो पूरी प्रक्रिया है लहसुन को उत्पादन की, उसमें बहुत सी खामियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि अलग अलग रिपोर्ट से बताया गया है कि जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ लहसुन उत्पादन में साफ जल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वहाँ के दावे किए जा रहे हैं कि सीवेज जो वाटर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और सीवेज वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के अलावा मरकरी लेड आर्सेनिक जैसे जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनका हमारे। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के एक कॉलेज प्रबंधक के ऊपर कुछ बच्चों के परिजनों ने फीस लेकर डिग्री और मार्कशीट न देने का आरोप लगाकर तहसील दिवस और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने शिकायतकर्ताओं के समर्थन में एक प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधक पर कार्रवाई होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज से जो तथ्य मिले हैं कुछ पीड़ित छात्रों का, उनके परिवार का, उनका बीएससी है डिग्री कॉलेज तक का मान्य संबद्धता सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एमए की डिग्री देने के लिए अपने उसी डिग्री कॉलेज से तौफीक मेमोरियल कॉलेज से ही एमए की फीस की रसीद काटा, तो सरासर गलत है। और रसीद काटा दो तीन साल लोगों का बर्बाद कराया, तीन साल में अगर उन्होंने 15-15 हजार लिया तो एक बच्चे से 45 हजार। हमें जहां तक जानकारी है, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है कि कितने लोग, लेकिन 4-6 लोग मेरे पास आए पहले, तो मैंने थोड़ा सा इसको सोचा कि स्कूल का कॉलेज का मामला होगा। जब इसके सारे तथ्य मिले तो मैं अवाक रह गया कि इतनी बड़ी धांधली, एक स्थानीय विधायक जिसकी माँ विधायक, जिसके पिता विधायक, एक राजनीतिक परिवार की विरासत संभालने वाली विधायक, और उनके द्वारा इतना हल्का काम, 400 पीसी का काम, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। पीलीभीत में लेखपाल की शिकायत करते हुए ग्राम अखौला के बादाम सिंह कठोरा लेकर एसडीएम बीसलपुर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने शादी अनुदान से वंचित होने पर आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। एक मांगने आए हैं न्याय की, लगभग 9 महीने से अधिक हो गया है हमें यहां चक्कर काटते हुए लेकर जिला पीलीभीत कार्यालय तक, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं। हमारे पास मात्र 3 बीघा जमीन है, वो भी मौके पर कम हो, और दूसरे किसान के पास 1 एकड़ जमीन, उसका आय प्रमाण पत्र यहाँ के लेखपाल, तत्कालीन लेखपाल ललित मोहन गंगवार ने हमारा 51 हजार का आय प्रमाण पत्र जारी किया 3 बीघे वाले, और 3 एकड़ वाले का जो है वो 46 हजार वार्षिक का आय का प्रमाण पत्र जारी किया। इसी को लेकर के हम मतलब जो है तो न्याय की भीख मांग। कन्नौज में किशोरी दुष्कर्म कांड के सह अभियुक्त नीलू यादव के मामले में पुलिस और कन्नौज बार एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। बता दें, बार एसोसिएशन ने पुलिस पर नीलू यादव के रिश्तेदारों को अवैध हिरासत में लेकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और तत्काल रिहाई की मांग करी है। इस बात का ज्ञापन दिया है कि हमारे एक साथी अधिवक्ता नवाब सिंह यादव जी और उनके भाई नीलू यादव जी, जो पेशे से दोनों अधिवक्ता हैं और हमारी बार के सदस्य हैं, उन पर मुकदमा लगा है, गैंगस्टर लगा है। तो ये नीलू यादव की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और वो उनकी रिहाई हो गई है। उसके बाद में गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है, तो उसके निकलने के बाद में उनके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, नवाब सिंह के बच्चे को, उनके नीलू के घर वालों को या जमींदारों को या औरतों को पुलिस पकड़ के ला रही है, थाने में बंद कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, ऐसा कैसा न्याय? जबकि लीगल प्रोसीजर जो है वो अपनाना चाहिए और हम उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा सहयोग, जो लीगली पोजीशन है उसमें पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए। जिस अपराध में नीलू बंद हैं, उस जिसमें नीलू को भी मुलजिम बनाया गया सह आरोपी, उसमें उनकी जमानत पहले हो चुकी, रिहाई भी जा चुकी। तो एक मुकदमा जो इनके ऊपर मारपीट का था, उसमें 24/9/2024 को मान्य न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। इसके बाद उनकी जमानत दाखिल की गई, तो उस पर मान्य न्यायालय राय थी कि जमींदारों का सत्यापन करके भेजा जाए। तो जमींदारों को सत्यापन तो नहीं भेजा गया, पुलिस द्वारा जमींदारों को ही डिटेन कर लिया गया। अब यही नहीं पता है कि कहाँ पे बैठा लिया।
तहसील का सत्यापन पहुंचने के बाद मान न्यायालय द्वारा उनकी रिहाइश भेज दी गई। वो शाम को रिहा हो गए, उसके बाद पता चला कि पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिख दिया है। तो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिख दिया है, जिले में बहुत से लोगों को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा हुआ है, वो घूम रहे हैं, अपने सरेंडर करें, जमानत कराएं, लेकिन पुलिस उनके पीछे उसी समय से 27/9/24 की रात से ही पूरी तरीके से पड़ गई। मिर्जापुर में देहात कोतवाली थाना इलाके के बरकछा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। दुकान पर खड़े एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मिर्जापुर सोनभद्र पर जाम लगा दिया और सड़क पर खड़ी सरकारी रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। दुकान खुला रहा, बैठा रहा कुर्सी पे, गन बनारस में मिर्जापुर से रेफर भवा है, यहाँ से चला गन बनारस लिया। गाड़ी उधर से आ रही थी तेज से, पता नहीं वो ड्राइवर दारू पिया था या फिर नींद में था, वो आया अचानक उधर से मार दिया धक्का पूरा। वहाँ पे एक आदमी घायल हो गया, खत्म मृत्यु हो गया और 3 लोग घायल हुए। मेरे मकान में घुसी है, 3 दुकान नुकसान करके मेरे मकान में घुसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीद का मामले की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष द्वारा ओरिजिनल दस्तावेज जमा ना करने पर आपत्ति जताई है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद हटाने वाले केसों में आज सुनवाई हुई। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलील दी गई और हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि मुस्लिम पक्ष ने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो फोटो को भी जमा किया है ना, तो आज तक उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं ना ही अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। तो माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष ने अपना अनुरोध किया कि इनसे कहें कि या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें या अटेस्टेड कॉपी दें। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं, देगा कहाँ से? वो तो केवल और केवल मामले को लटकाने का प्रयास करते हैं, मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट कोई भी आदेश करता है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अरे हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय करती है वो भी तो सबूतों के आधार पे करती है। बरेली के आंवला बदायूं मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों को पैर में गोली मार कर गिरफ्तार कर लिया। बता दें इनमें से एक बदमाश पर 25 और दूसरे पर 5 मुकदमे दर्ज है। ये वही बदमाश है जिन्होंने 20 सितंबर को सराफा व्यापारी श्रीकांत मराठा की हत्या की थी। थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत 2 अपराधियों जिनके नाम है बजरुल अली और लईक, इन दोनों को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में दिनांक 20 सितंबर 2024 को आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग में इन दोनों के नाम प्रकाश में आए थे। अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी SI रहमत अली वे घायल हुए। जवाबी फायरिंग एवं आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इन दोनों अभियुक्तों के दोनों पैरों में गोली लगी है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अभी अस्पताल भेजा गया है उपचार हेतु। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक से कांच की सीट उतारते समय हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। बता दें मरने वाले सभी रायबरेली के रहने वाले हैं और घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगभग 1 साल होने वाले थे, पुणे महाराष्ट्र में एवड़े वाली में काम करने गए थे ग्लास कंपनी में। उनकी अचानक से सुनने में आई कि उनकी डेड हो गई है। 1 साल से रह रहा है और घर की कंडीशन बहुत गड़बड़ है, इसके वजह से ये पारिवारिक दशा इनकी ना ठीक होने की वजह से ये मजदूरी का काम करने गए हुआ है, जिसमें इनकी ग्लास कंपनी में काम करते थे और वहाँ पे पता लगा है कि सेफ्टी बेल्ट टूटने की वजह से इनकी वहाँ पे हादसा हो गई। जैसे ये हादसा हुआ पुणे में, इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमारे सांसद राहुल गांधी जी को हुई। उन्होंने तत्काल फोन करके हमारे जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी जी को बताया कि आप वहाँ पर पेटीएम को लगाइए, वहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है आपके क्षेत्र रायबरेली में। तो सबसे पहले हम बिछेन पर कंदरामा ग्राम सभा यहाँ आए हुए और देखा यहाँ पे बहुत दुखद घटना हुई है और ये असहनीय है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।